हिंदी प्रेजेंटिंग एक सुपरहिट रोमांटिक स्पेनिश मूवी द रेड थ्रेड। इस मूवी में एक एयर होस्टेस और एक बिजनेसमैन को किस्मत कैसे बार बार मिलाती है और उनके ना चाहने पर भी किस्मत उनके साथ क्या क्या खेल खेलती है, हम जानेंगे इस मूवी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में फुटबॉल का देश अर्जेंटीना के एक शहर ब्यूनस एयर्स के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक ब्यूटीफुल एयर होस्टेस को देखते हैं जो कि रिसेप्शन पर जाकर चेकिंग करवाती है। बाद में यह एयर होस्टेस काउंटर पर जाकर म्यूजिक सुनने लगती है, तभी उसके पास एक आदमी आकर म्यूजिक सुनने लगता है। एयर होस्टेस सॉन्ग को प्ले नहीं कर पा रही थी, तभी वह आदमी उसकी म्यूजिक प्ले करने में मदद करता है। उससे यह दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अब इन्हें क्या पता था कि इनकी बिना बात किए हुई छोटी सी मुलाकात इनकी ज़िंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल के रख देगी। द रेड थ्रेड इस नाम के चाइनीज़ मुहावरा फेमस है जो बताता है कि आप कहीं पर भी पैदा हो या कहीं पर भी रहे, यह मैटर नहीं करता। अगर किस्मत की डोर आपको मिलाने में लग जाए तो फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इस डोर को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं पर इसे आप तोड़ नहीं सकते। अगले सीन में अब ये दोनों आगे निकलकर अपनी अपनी फ्लाइट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन किस्मत एक बार फिर अपना रंग दिखाती है। जिस फ्लाइट से मैनुअल जा रहा था उसी फ्लाइट की एयर होस्टेस यह एम्ब्रेल थी। अब यह दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। अब एम्ब्रेल अपने साथ एक छोटे लड़के को लेकर जाती है और वह मैनुअल से कहती है कि यह लड़का अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब तुम इसका ख्याल रखना और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर मुझे याद करना। अब रात हो चुकी है, फ्लाइट को टेक ऑफ करके काफ़ी समय हो चुका था। अब मैनुअल एम्ब्रेल के अकेले होने का वेट कर रहा है और उसकी को होस्टेस पैसेंजर को खाना सर्व करने लगती है। तब वो चुपके से एम्ब्रेल के पास चला जाता है तो एम्ब्रेल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। उस पर मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट की ट्रैवल से बहुत डर लगता है। तो एम्ब्रेल उससे पूछती है कि आज तुम ट्रैवल क्यों कर रहे हो, प्लेजर के लिए या फिर बिजनेस के लिए। उस पर मैनुअल कहता है कि यह दोनों चीज़ें मेरे लिए एक जैसी है क्योंकि मेरा वाइन का बिजनेस है। यह सुनकर एम्ब्रेल हंसने लगती है। उसका ध्यान अपने फ्रेंड पर जाता है जो कि किसी पैसेंजर से किसिंग कर रही थी। यह देखकर दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं। तभी फ्लाइट में अचानक से झटका लगता है तो मैनुअल उससे पूछते हैं कि यह नॉर्मल है। तभी एम्ब्रेल कहती है कि यह बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। तो मैनुअल उससे इशारों में कहता है कि क्या हम दोनों किस करें तो यह भी नॉर्मल होगा क्या। तभी वो एयर होस्टेस जो अंदर अपने फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैनुअल फिर वहां से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही मैनुअल एम्ब्रेल के पास जाता है तो एम्ब्रेल उसे वहां पर बार बार ना आने के लिए कहती है क्योंकि तुम्हें कोई वहां देख लेगा और मुझे काम भी तो करना है। मैनुअल उसके बदन पर टैटू को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारे बॉडी पर यह टैटू कैसे है। तो एम्ब्रेल अपनी बॉडी का टैटू दिखाते हुए उसे कहती है कि ये मेरे एक्स की निशानी है। और एम्ब्रेल कमर पर बना हुआ टैटू उसे दिखाती है और अब मैनुअल को अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन किस्मत की डोर इनको मिलाने में जुटी थी। तभी वहाँ पर फ्लाइट में झटका आता है और वह दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस बार दोनों खुद को रोक नहीं पाते और रोमांटिक हो जाते हैं। बाद में मैनुअल उसे फ्लाइट लैंड होने के बाद साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। तब वह कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तुम मुझे कस्टम क्लियरेंस के बाद बाहर मिलना। उसके बाद मैनुअल वहाँ से चला जाता है। फ्लाइट लैंड करने के बाद उसका इंतज़ार वहाँ एम्ब्रेल करती है और उसको लाइन में खड़ा देखकर स्माइल करती है, पर नसीब को यह मंजूर नहीं था। यहाँ एयरपोर्ट पर कस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर सबको बड़ी देर तक छोड़ा नहीं जाता। इसीलिए एम्ब्रेल मैनुअल का इंतज़ार करती है मगर उनकी मुलाकात फिर से नहीं हो पाती। यहाँ पर ये दोनों नहीं मिल पाते। एम्ब्रेल और मैनुअल ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी नहीं लिया था, उस वजह से वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं। और देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि एम्ब्रेल की शादी एक फेमस म्यूजिकल रॉकस्टार से हो चुकी है। उसके पति का नाम ब्रूनो है। इस कपल का फेलिक्स नाम का एक 4 साल का बेटा होता है। एम्ब्रेल अब मैनुअल को भूल चुकी है, वो अपने परिवार में
बहुत खुश है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि मैनुअल के भी शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ लॉरा एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी और अपने पति के साथ खुश है। इस कपल की भी एक लड़की है। मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल से बेइंतहा प्यार करती है, ठीक उसी तरह एम्ब्रिल का पति भी एम्ब्रिल से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। एम्ब्रिल का पति ब्रूनो एक रॉक स्टार था। ब्रूनो को भी काफ़ी जर्नी करनी पड़ती थी, इसीलिए ब्रूनो और एम्ब्रिल हमेशा अलग अलग फ्लाइट में ट्रैवल करते थे। आज यह दोनों एयरपोर्ट पर फिर से अलग अलग फ्लाइट ले रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन इनको काम की वजह से अलग अलग निकलना ही पड़ता है। और वह कोलंबिया के शहर फेयर कार्टजेना की तरफ निकलते हैं, लेकिन किस्मत का धागा एम्ब्रिल को आखिर तो मैनुअल से ही मिलाना चाहता है। इधर मैनुअल भी बिजनेस के सिलसिले में कोलंबिया के उसी शहर आने के लिए रवाना होता है। कोलंबिया में फ्लाइट लैंड होने के बाद एम्ब्रिल और उसके दोस्त होटल में अपनी रूम बुकिंग करवा रहे थे। तभी वह देखती है कि होटल में रिसेप्शन पर मैनुअल भी बुकिंग करवाने आया हुआ है, और किस्मत की डोर ने उनको फिर से 7 साल बाद आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एम्ब्रिल मैनुअल से बिना बात किए हुए वहाँ से निकलने लगती है, तो मैनुअल उसके पीछे जाकर उससे कहता है कि तुम मुझे भूल गई क्या। उस पर एम्ब्रिल कहती है, जानती हूँ तुम एक वाइन बिजनेसमैन हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। तभी एम्ब्रिल वहाँ से जाने लगती है, तो मैनुअल उसे कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमने एक दूसरे को बहुत ढूंढा था लेकिन हम एक दूसरे को मिल नहीं पाए, कम से कम मेरे साथ लंच करना तो बनता है ना। अब एम्ब्रिल यह सुनकर हाँ कर देती है और मैनुअल के साथ लंच करने के लिए ऊपर होटल में जाती है। एम्ब्रिल उससे कहती है कि उस दिन मैंने एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक तुम्हारा वेट किया था लेकिन तुम नहीं आए। उस पर मैनुअल कहता है कि उस शाम को मेरा कस्टम क्लियरेंस नहीं हुआ था, इसीलिए मैं एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया। अब वे दोनों लंच करते हैं। अब एम्ब्रिल अपने पति और अपने बेटे को कॉल करती है, पर नेटवर्क न होने के कारण एम्ब्रिल फिर मैनुअल के पास आकर अपने पति ब्रूनो और उसके बच्चे फेलिक्स का फोटो दिखाती है। आगे मैनुअल भी अपने फैमिली का फोटो एम्ब्रिल को दिखाता है, तो एम्ब्रिल उससे कहती है कि आखिर में तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। तो मैनुअल कहता है कि यह प्यार हम दोनों के बीच में भी तो हो सकता था, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचना चाहती। जो चीज़ हुई ही नहीं उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचती। तो मैनुअल कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि मुझे उस टाइम तुमसे प्यार हो गया था। इस पर एम्ब्रिल मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें सिर्फ एक किस करने से मुझसे प्यार हो गया था। आगे वो कहते हैं कि मुझे जाना होगा, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है, और वहाँ से निकलती है। एम्ब्रिल अपने होटल के रूम में जाकर अपने पति से बात करती है। तभी वहाँ पर उसकी एयर हॉस्टेस फ्रेंड आती है और वहाँ उनके बारे में पूछती है, तो एम्ब्रिल उसे बताती है कि अब तो वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है और उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल पत्नी भी है। बात को काटते हुए एम्ब्रिल उसे बर्थडे पार्टी की याद दिलाकर वहाँ से निकलने को कहती है। दूसरी तरफ मैनुअल अपने रूम में लेटकर अपनी वाइफ से लैपटॉप पर बात करता है, और थोड़ी देर बाद बोर होने की वजह से वो होटल की छत पर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि एम्ब्रिल अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में खूब इंजॉय कर रही है। एम्ब्रिल की नज़र उसी वक्त बाहर खड़े मैनुअल पर जाती है। यहाँ पर डीजे कपल डांस के लिए सबको अपना पार्टनर चॉइस करने को कहता है, तो एम्ब्रिल मैनुअल का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगती है। यह किस्मत की वो डोर थी जो इनको बार बार दूर जाने के बाद भी उन्हें करीब लाए जा रही। दुनिया में इतनी विविधता होने के बाद भी आपका किसी खास आदमी से बार बार मिलना, यह तो डेस्टिनी है। यह तो इस मूवी का नाम है, द रेड थ्रेड। वो थ्रेड जो हमें एक दूसरे से बांध कर रखता है, जो एक दूसरे की तरफ खींचता है, एक दूसरे से दूर भी ले जाता है, लेकिन यह डोर कभी टूटती नहीं है। यह कभी ना कभी कहीं ना कहीं जिनको मिलना होता है वह मिल ही जाते हैं। ठीक इसी तरह एम्ब्रिल और मैनुअल के साथ हो रहा था। डांस करने के बाद यह दोनों होटल की छत पर चले जाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। तो मैनुअल एम्ब्रिल को कहता है कि क्या हम कल बाहर घूमने चल सकते हैं, लेकिन एम्ब्रिल इस पर बिना कोई जवाब दिए जाने लगती है। जाने से पहले वो मैनुअल के गाल पर किस करती है, तो मैनुअल उसे वापस किस करने लगता है, तो वह दोनों कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन एम्ब्रिल
जल्द ही अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अगली मॉर्निंग एम्बरल उठकर अपने पति से बात करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होने से अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाती। तो वो सोचती है कि होटल में रहकर बोर होने से तो अच्छा है कि बाहर हम कहीं घूमने चले जाएं। लेकिन वो अपने फ्रेंड को साथ ले जाना चाहती है, लेकिन वह देखती है कि उसकी फ्रेंड अपने कैप्टन के साथ रोमांस कर रही है, तो खुशी खुशी उन दोनों को छोड़कर अकेली घूमने चली जाती है। अब जाते समय एम्ब्रल मैनुअल को देखती है कि वो अपनी वाइनरी कस्टमर को दिखा रहा है। तब मैनुअल एम्ब्रल के पास आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तभी एम्ब्रल कहती है, मुझे आर्ट गैलरी जाना है, लेकिन मैं मैप रीडिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊँ। तो मैनुअल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो फिर मैनुअल अकेला ही बाहर घूमने जाने लगता है, जिसे देखकर एम्ब्रल काफ़ी इम्प्रेस होती है कि उसने किसी भी चीज़ के लिए उसे फोर्स नहीं किया। और अब एम्ब्रल भी मैनुअल के साथ बाहर घूमने निकल पड़ती है। यह दोनों मिलकर काफ़ी वक्त घूमते हैं। आगे वह आर्ट गैलरी जाते हैं, जहाँ से वह लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। मैनुअल वहाँ से एक रिंग खरीदता है जो वह एम्ब्रल को देना चाहता है। यहाँ पर काफ़ी देर घूमने के बाद वह दोनों एक जगह दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर एम्ब्रल मैनुअल को कहती है कि यहाँ पर मुझे बहुत फ्री फील हो रहा है, और एम्ब्रल उठकर मैनुअल को किस करने लगती है। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और यहाँ दोनों उठ के एक टनल में चले जाते हैं। एम्ब्रल अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी, वह टनल के बाहर चली जाती है। अब वह बारिश को इंजॉय करने लगती है। द रेड थ्रेड, किस्मत की वो डोर जो उनको पहली बार एयरपोर्ट पर मिलवाने के बाद में काफ़ी खिंच गई थी, अब वह वापस से खुल गई है, जो इन दोनों को बेहद करीब ले आई है। लाइफ में बारिश का आना कोई प्लान नहीं कर सकता, नसीब में एक दूसरे से बिछड़कर दोबारा मिलना कोई प्लान नहीं कर सकता, यह सब डेस्टिनी है। इसी डेस्टिनी के चलते एम्ब्रल और मैनुअल एक दूसरे के साथ वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग में मैनुअल एम्ब्रल को वही रिंग गिफ्ट करता है जो वो आर्ट गैलरी से कल लेके आया था। थोड़ी देर बाद मैनुअल की वाइफ का फ़ोन आता है, तो उसकी बातें एम्ब्रल बड़े ध्यान से सुनती है। मैनुअल उसकी वाइफ से झूठ कह रहा था कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मुझे एक दो दिन और लग जाएंगे, जिसकी वजह एम्ब्रल को ऐसा लगता है कि वह भी तो ऐसा ही कर रही है, और उसको थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है। मैनुअल एम्ब्रल को पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ का कॉल आया इसीलिए अपसेट हो? तो एम्ब्रल कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम किसी और के साथ हो। तो मैनुअल कहता है कि तुम भी तो वही कर रही हो, तुम्हारा भी तो एक पति है ना। तो एम्ब्रल कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम दोनों प्यार सच में किसी और से करते हैं और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। तो मैनुअल कहता है कि हमारा फ्यूचर है, हमारा वक्त है। तो एम्ब्रल कहती है कि कोई चांस नहीं है, एक ही टाइम में मैं दो आदमियों से प्यार नहीं कर सकती, और इससे तुम भी कुछ नहीं कर सकते, और मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो एम्ब्रल अपने घर की तरफ निकल जाती है और मैनुअल भी अपने घर की तरफ उदास मन से चला जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, अब मैनुअल का मन अपने काम में भी नहीं लग रहा था। अब वह बार बार फेसबुक पर एम्ब्रल की फ़ोटो देखकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है। मैनुअल ना रहकर भी एम्ब्रल को मैसेंजर पर मैसेज करता है कि अब मुझसे सहन नहीं होता है, चलो मिलते हैं। इस मैसेज को एम्ब्रल पढ़ती है और कुछ सोचने के बाद वह रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। इस जवाब को पढ़कर मैनुअल काफ़ी निराश होता है, और एम्ब्रल ने यह जवाब अपनी खुशी से नहीं लिखा था। उसको पता था कि वह मैनुअल से मिलती रहेगी तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया। लेकिन किस्मत की डोर यानी कि द थ्रेड ऑफ डेस्टिनी ने कुछ और ही प्लान किया था। आज मैनुअल की वाइफ लॉरा, जो एक फेमस फोटोग्राफर है, वो एम्ब्रल का पति ब्रूनो का फोटोशूट कर रही थी। उसके साथ उसकी वाइफ एम्ब्रल भी आई हुई है। वैसे तो मैनुअल अपनी वाइफ के फोटोशूट साइट पर कभी नहीं आता, पर आज उसकी फ्लाइट मिस होने की वजह से वह वहाँ पर आया था, और किस्मत की डोर ने फिर उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैनुअल की वाइफ लॉरा उसके दोस्त ब्रूनो और उसकी वाइफ एम्ब्रल से मिलवाती है, पर लॉरा को क्या पता था कि एम्ब्रल और मैनुअल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ब्रूनो और लॉरा फोटोशूट पर बिजी हो जाते हैं, तो इधर एम्ब्रल और मैनुअल
आपस में बात करने लगते हैं। तो एम्बरर पूछती है कि तुम वहाँ पर आए ही क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मैनुअल कहाँ मानने वाला था। वो एम्बरर के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। एम्बरर उसे रोक देती है तो मैनुअल उसे वहाँ से बहाना बनाकर 9:00-11:00 होने को कहता है। तुम मेरे साथ होटल रूम में चलो। तो यह सुनकर एम्बरर को थोड़ा गुस्सा आता है और वह वहाँ से चली जाती है और मैनुअल वहाँ से अपने होटल रूम में चला जाता है। लेकिन एम्बरर को भी कंट्रोल नहीं होता, वो आखिरकार मैनुअल के रूम में चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। तभी वहाँ पर फ़ोन रिंग करने लगता है और जब एम्बरर फ़ोन रिसीव करती है तो उसको पता चलता है कि उसके फ़ोन पर 10 मिस कॉल आए हुए हैं जो उसने रिसीव नहीं किए, क्योंकि एम्बरर मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी। आज वह अपने बेटे फेलिक्स को स्कूल से पिक करने वाली थी, लेकिन बीच में मैनुअल आ गया तो उसको पता चलता है कि उसके फ़ोन पर 10 मिस कॉल आए हुए थे जो कि उसने रिसीव नहीं किए, क्योंकि एम्बरर मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी। आज वह अपने बेटे फेलिक्स को स्कूल से पिक करने वाली थी, लेकिन बीच में मैनुअल आ गया और उसके साथ रोमांटिक होने के चक्कर में अपने बच्चे को स्कूल से पिक करना वो भूल गई। तो उसके टीचर ने एम्बरर को बहुत बार कॉल किया और फाइनली उसने एम्बरर के पति ब्रूनो को बुलाकर स्कूल से उसे पिक करवाया। अब इस बात से एम्बरर बहुत डर जाती है कि वो मैनुअल के साथ रोमांटिक होने के चक्कर में अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर रही है। अब एम्बरर रोते हुए अपने घर पर जाती है और घर पर जाकर अपने बेटे फेलिक्स को देखती है कि वह सो रहा है। तो अब एम्बरर को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ मैनुअल की वाइफ लॉरा फोटोशूट पर उसके द्वारा ली हुई मैनुअल और एम्बरर की कुछ तस्वीरें दिखाती है। एक फ़ोटो को जूम करके दिखाती है कि मैनुअल एम्बरर की तरफ काफ़ी इमोशन से देख रहा है। लॉरा जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी, वह किसी भी व्यक्ति के चेहरे को पढ़ सकती थी। वो चेहरे पर आए हुए इमोशन को आसानी से पढ़ लेती थी। अब उसको पता चल गया था एम्बरर और मैनुअल के बीच में अफेयर चल रहा है। तो वो लॉरा को कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। तो लॉरा कहती है कि क्या मतलब है, मैं बताने ही वाला था? मतलब जब तुम किसी से भी मिले, तुम्हें उससे प्यार हो गया, तुम उसके प्यार में पड़ गए और मेरा टाइम खत्म। तो मैनुअल कहता है कि देखो, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है। तो लॉरा कहती है कि ऐसी चीज़ें तो मेरे साथ कभी नहीं होती, ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ ही क्यों होती है? मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाली औरत तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। और वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ एम्बरर भी अपने घर में बहुत दुखी होती है। ना तो वह मैनुअल के साथ खुलकर रह सकती थी और ना ही वो अपने पति को सब कुछ खुलकर बता सकती थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही है। पर अपनी वाइफ को इस तरह बार बार उदास देखकर उसका पति ब्रूनो उससे कहता है कि तुम मुझे बता, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो बहुत फोर्स करने के बाद अब एम्बरर कहती है कि उसने झूठ बोला था। वो उस दिन अपने बेटे फेलिक्स को इसीलिए नहीं लेने गई थी क्योंकि वो मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी और काफ़ी टाइम से उसके साथ रिलेशन में थी। ये सुनकर ब्रूनो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और आगे एम्बरर यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाने के बाद ब्रूनो को कहती है। उस पर उसका पति ब्रूनो कहता है कि तुम जिधर चाहो उधर जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूंगा और ना फेलिक्स कभी तुम्हें माफ़ कर पाएगा। इस बात पर एम्बरर बहुत रोती है, लेकिन वह नहीं चाहते हुए भी अपने घर को छोड़कर जा रही थी और मैसेज करके मैनुअल को एयरपोर्ट पर बुलाती है और भारी मन से अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए टैक्सी में बैठ जाती है और हमेशा हमेशा के लिए मैनुअल के साथ रहने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। आगे सीन में दिखाया जाता है कि अब मैनुअल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और भारी मन से रोते हुए एम्बरर भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। एम्बरर कार में बैठी बैठी मैनुअल को देखकर बहुत रोती है। वह अपने हस्बैंड और बेटे को छोड़कर आई है और मैनुअल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। यह वही सपना है जो उसने कई सालों पहले अपने हस्बैंड के साथ भी देखा था। वह अपनी नई खुशी की तलाश में अपनी सारी दुनिया छोड़कर निकल पड़ी है। तभी भारी मन से हिम्मत बटोरकर एम्बरर मैनुअल को मैसेज करती है कि मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। एम्बरर मैनुअल को मैसेज पढ़ते हुए कार के अंदर से ही देखती है। वह उदास मन से फ़ोन अपनी जेब में रख देता है। एम्बरर ड्राइवर को बोलती है कि चलो यहाँ से, और फिर से वह अपने घर की तरफ चली जाती है, क्योंकि डेस्टिनी की डोर तो उसके हस्बैंड के साथ भी जुड़ी हुई थी, उसके बच्चे के साथ भी जुड़ी हुई थी, जो अब फिर से सिकुड़ गई है।
जो अब उसकी फैमिली को वापस पास लाने का काम कर रही है। रैंडम इमोशनल आउटबर्स्ट ने एक ऐसा इरेशनल डिसीजन एमरल्ड को लेने पर मजबूर कर दिया और वो एक झटके में वापस अपने घर की तरफ मुड़ गई है। क्या वह मैनुअल से मिल पाएगी, किसे पता। डेस्टिनी किस्मत किसे कब कैसे मिला दे, क्या पता, कोई नहीं जानता। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन हर हफ्ते लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।